तनिष्क में हमारे गहनों से सिर्फ हमारा नाम ही नहीं, एक 150 साल पुराना सरनेम भी तो जुड़ा है, टाटा का। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट। कांग्रेस में इन दिनों कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के सिपाही सत्ताधारी भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इस पर लगाम कसने में शीर्ष नेतृत्व उदासीन नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस में भगदड़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। पिछले एक सप्ताह में दो बड़े महानगरों के महापौर समेत कई चयनित जनप्रतिनिधि बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भाजपा के बड़े नेताओं के साथ तस्वीर सामने आई है। बताया जाता है कि विधानसभा के कक्ष में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की कमलनाथ से गुप्त वार्ता हुई है। दिग्गजों के बीच क्या बात हुई ये तो अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। पिछले कई दिनों से कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें चल रही है, ऐसे में यह मुलाकात अटकलों को बल देती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव तक मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान कमलनाथ के हाथ ही में थी। सरकार बनने के सपनों के बीच वही सीएम चेहरा थे, लेकिन करारी हार से मानो सब कुछ बिखर सा गया। आला कमान को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की पूरी गुंजाइश नजर आ रही थी, लेकिन परिणाम विपरीत आए। इसके बाद कांग्रेस पीसीसी चीफ का पद अचानक कमलनाथ के हाथों से चला गया। करीब एक महीने तक वे नजर नहीं आए, यहां तक कि नव नियुक्त पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के कार्यभार ग्रहण से भी दूरी बनाए रहे। विधानसभा में भी वे एक माह बाद शपथ लेने पहुंचे। जिस तरह से भाजपा ने सीएम पद से शिवराज सिंह चौहान को दूर किया, वैसे ही कांग्रेस में कमलनाथ भी हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं। अब पार्टी में उनकी पहले जैसी सक्रियता नहीं रही है, ऐसे में उनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलें चलने लगी है। हाल ही में छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान उनसे पत्रकारों ने पूछा कि पार्टी से बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इस पर उन्होंने दो टूक कहा था, कोई किसी पार्टी से बंधा थोड़ी है। इसी दौरान उन्होंने बेटे नकुल नाथ या उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर कहा था कि अभी चर्चा चल रही है, जो जीतता है उसे पार्टी टिकट देती है। इस बयान के दूसरे दिन सांसद नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा में मंच से खुद को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर दिया। कमलनाथ ने भी इस पर मुहर लगा दी। इन सब से लग रहा है कि पिता पुत्र इस समय बगावती मूड में हैं। एक चर्चा ये भी है कि कमलनाथ इस उम्र में पार्टी छोड़ने का निर्णय नहीं ले पा रहे, ऐसे में उनके बेटे के भाजपा में समर्थकों समेत जाने की आशंका है। हालांकि इन सभी बातों पर दोनों पार्टियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय बयान दे चुके हैं कि कमलनाथ के लिए पार्टी के दरवाजे बंद है। उन्होंने कमलनाथ की तुलना बासी फल से कर डाली। खैर, राजनीति में बयान कभी स्थायी नहीं होते। बिहार में मची उठापटक से ही इस बात को समझा जा सकता है। कांग्रेस और गांधी परिवार के खास कहलाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी को पहले ही अलविदा कह चुके हैं। अब गांधी परिवार के सदस्य समझे जाने वाले कमलनाथ को लेकर अटकलों का दौर चलने लगा है। कमलनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी समेत सोनिया गांधी के साथ राजनीति की है, इसके बाद भी उनका पाला बदलने की अटकलें चौंकाने वाली है। जब धुआं उठ रहा है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ही। कमलनाथ और उनके बेटे कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही बने रहेंगे या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो राजनीति की यह अटकलें चर्चा का केंद्र बनी हुई है। तनिष्क प्रेजेंट्स द बेस्ट कॉम्बो ऑफर एवर। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 25% तक की छूट, और साथ ही अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर 100% वैल्यू। तो आज ही अपने नजदीकी तनिष्क स्टोर जाइए। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट।